फ्रेंड्स नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निधि और पॉजिटिव आशा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं प्रोडक्ट रिव्यू विनोद की प्लैटिनम ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई का। तो फ्रेंड्स, मेरे कई कुकिंग वीडियो में आपने इस कढ़ाई को देखा होगा और बहुत सारे लोग मुझसे इस कढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस कढ़ाई का रिव्यू आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ मेरे स्टाइल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये विनोद की प्लैटिनम रेंज की ट्राईप्लाई कढ़ाई है जो SAS टेक्नोलॉजी के साथ आती है। SAS टेक्नोलॉजी का मतलब है स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम और स्टेनलेस स्टील, यानी कि ये तीन लेयर वाली कढ़ाई है जिसमें इनर लेयर जो हमें मिलती है वो SS304 फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील की होती है। सेकेंड लेयर एल्युमिनियम की होती है जो कि बीच में होती है, और थर्ड लेयर यानी कि आउटर लेयर SS430 स्टेनलेस स्टील की मिलती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें बॉक्स पर ही बताया गया है कि ये हर तरह के गैस स्टोव के लिए आइडियल है, इंडक्शन फ्रेंडली है, यानी कि आप इंडक्शन पर भी इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं, और ये डिशवॉशर सेफ भी है। और इस कढ़ाई पर हमें मिलती है पूरे 5 साल की वारंटी, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए अब इसकी कैपेसिटी के बारे में देखते हैं। ये 28 सेंटीमीटर की है जो लगभग 3.7 लीटर की कैपेसिटी वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कढ़ाई के प्राइस को देखते हैं कि ये कढ़ाई कितने की है। तो इसकी प्राइस है 3,620 रुपीज़, यानी कि 3,620 रुपये। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन मैंने इसे अमेज़ोन से ख़रीदा तो ये मुझे काफ़ी सस्ते में मिल गई है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी लेयर्स के बारे में काफ़ी डिटेल में समझाया गया है। इसकी इनर लेयर यानी कि लेयर 1 फूड ग्रेड 18x8 यानी कि 304 स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है, जिसकी वजह से कुकिंग के टाइम पे खाना इसमें बिल्कुल भी नहीं चिपकता है और ये इसकी लाइफ को बढ़ाता है। दूसरी लेयर है वो है एल्युमिनियम की लेयर, जिसकी वजह से हीट इवेंटली स्प्रेड होती है और खाना कम समय में जल्दी बन जाता है, यानी कि हमें फ्यूल की भी सेविंग होती है। और तीसरी लेयर है वो SS430 स्टेनलेस स्टील की है, यानी कि इस वजह से ही हम इसे इंडक्शन पर भी यूज़ कर पाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने इसे अमेज़ोन से परचेज़ किया है और इस पर इसकी प्राइस है 2680 और मैंने भी इसे इसी प्राइस पे ख़रीदा है। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है और आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रही हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब कढ़ाई को देखते हैं। और मैं यहाँ आपको बता दूँ कि मैं ये कढ़ाई पिछले कुछ महीनों से यूज़ कर रही हूँ और यूज़ करने के बाद ही मैं इसका रिव्यू आपको दे रही हूँ। तो आप देखिए, इसके हैंडल पर भी विनोद लिखा हुआ है और काफ़ी स्टर्डी है, स्ट्रॉन्ग है। इसका लिड सबसे पहले देखते हैं, इसके रिविट्स को देखिए, बहुत ही मज़बूत है और इसका हैंडल होल्ड करने में काफ़ी कंफर्टेबल है, ताकि कुकिंग के टाइम पे जब लिड गर्म हो तो हम जब इसे होल्ड करेंगे तो हमारा हाथ बिल्कुल सेफ रहेगा, लिड में टच बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये स्पेशली डिज़ाइंड हैंडल्स हैं ताकि कुकिंग के समय जब आप खाना बना रहे हैं और बर्तन गर्म होता है तो आप आराम से इस हैंडल को पकड़कर उठाकर रख सकते हैं और वापस सब्ज़ी चलाकर इसे लिड से कवर कर सकते हैं, आपके हाथ बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। और ये देखिए इसकी शेप कितनी अच्छी है, और ये कढ़ाई काफ़ी हैवी है, आप इसे एक हाथ से नहीं उठा सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि स्टील के बर्तन कुकिंग के लिए एक हेल्दी ऑप्शन है हम सभी के लिए, और इस कढ़ाई को परचेज़ करने से पहले मैंने काफ़ी रिसर्च की, क्योंकि मुझे ये प्राइस में थोड़ी सी एक्सपेंसिव लग रही थी, लेकिन इसको परचेज़ करने के बाद मैं आपको कह सकती हूँ कि इसकी क्वालिटी इसके प्राइस को जस्टिफाई करती है। और अब चलिए हम इसके आउटर लेयर को देखते हैं। पीछे के साइड से ये यहाँ पर विनोद लिखा हुआ है, और कितनी स्मूथ कढ़ाई है, कोई सैंडविच बॉटम इसमें आपको नहीं मिलेगी, सॉलिड कढ़ाई है, चारों तरफ से एक बराबर है, क्लीनिंग में भी बहुत इजी है ये। और आप इसकी फिनिश को देख सकते हैं, इसकी शाइन को देख सकते हैं, सालों साल चलने वाली है, मेंटेनेंस फ्री है, बहुत इजी है इसकी क्लीनिंग, ज़रा भी खाना नहीं चिपकता है इसमें, और इसमें छोटी साइज़ भी आती है। तो मुझे इस कढ़ाई को परचेज़ करने के बाद बहुत खुशी हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग और सॉलिड कढ़ाई है ये।
और इसे मैं डेली बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ। हर दिन कम से कम दो बार तो मैं इसमें खाना बनाती ही हूँ, सुबह और शाम की सब्ज़ी तो बनती ही बनती है, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैं बहुत हैप्पी हूँ इस कढ़ाई को परचेस करने के बाद, तो मेरी तरफ से बिग थम्स अप है। और साथ ही हमें मिलती है एक वारंटी कार्ड जिसमें हमें इसके यूज़ और केयर के बारे में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, और इस कार्ड को हमें बहुत संभाल कर रखना है क्योंकि इस कढ़ाई पर हमें पूरे 5 साल की वारंटी मिलती है। और इसके अंदर के पेज में इनकी दूसरी कुकिंग रेंज के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। और जब आप इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं तो आपने इसे सोप और वार्म वाटर के साथ क्लीन करना है, और उसके बाद ये कढ़ाई रेडी है कुकिंग के लिए। एक बात और शेयर करना चाहूँगी, मैं हमेशा कुकिंग इसमें लो टू मीडियम फ्लेम पर करती हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, मुझे हाई फ्लेम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और खाना बहुत कम समय में तैयार हो जाता है। एक और बात, आप कुकिंग शुरू करने से पहले हमेशा कढ़ाई को एक बूंद कुकिंग ऑयल के साथ ग्रीस कर लें और फिर कुकिंग शुरू करें, ट्रस्ट मी आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मुझे इस विनोद की प्लैटिनम ट्राई प्लाई कढ़ाई को परचेस करने के बाद बहुत खुशी हो रही है और मेरी तरफ से बिग थम्स अप है। आपको ये कढ़ाई कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।